आने पर डेढ़ लाख का। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, पर्सनल लाइफ इसलिए बताना चाहता हूँ कि थॉट कहाँ से आया। आप सेंटर देखिएगा, मैं फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट कराटे में था, उसके बाद मैं भाजपा में 2005 में चुनाव लड़ा कॉरपोरेशन से, लेकिन एक वैराग हो गया तो मैं आध्यात्मिक में चला गया और उससे एक आध्यात्मिक में 10 साल से मैं हूँ अभी। और ये सोच मुझे अंदर से मिली कि दुनिया में ये क्या हो रहा है, किस तरह लोग जी रहे हैं, तो इतना मैं गहराई में चला गया था तो मैं तो समाधि में लेने की भी तैयारी कर दी थी, लेकिन पता नहीं कुदरत ने मुझे फिर वापस भेज दिया होगा यहाँ कि अच्छे मैसेज के लिए। ये अंदर से कुछ हो रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, हर मज़हब अपनी अपनी बात करते हैं, आध्यात्मिक बात में मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने सोचा दुनिया में कोई इतना तो सत्य ज्ञान होगा जो पूरी दुनिया जोड़ सके, क्योंकि आज देखते आप लोग जिस तरह की सिचुएशन है, आज कोई हम सुबह उठते तो अपने ही इष्ट देव को बात करते हैं, राम पुकारते हैं, कोई अल्लाह पुकारते, कोई गॉड पुकारते, ये सारे अलग अलग नाम है। मैंने सोचा कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग नाम की वजह से, अलग अलग मज़हब की वजह से जो हो रहा है, कोई ऐसा नाम मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो मैं दुनिया को बताकर एक कर सकूँ, ये थॉट मैंने सोचना शुरू किया। दुनिया बदलने का मिशन नहीं था, लेकिन दुनिया को एक नया पैगाम मिले और दुनिया में अमन प्रेम शांति कैसे हो सके, ये अंदर से हो रहा था। मैंने सोचना शुरू किया, सारी बात ऐसी मिल रही थी मुझे कि मैं जो सोच रहा था कि दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी, हर नफरत अलग अलग मान रहे, दुनिया आज इतने सारे तो भगवान कभी नहीं हो सकते। तो इस तरह की एक सोच के साथ मैं निकला और सोच में मुझे एक अच्छा कुदरत वर्ड्स मिला बहुत सारे ग्रंथों के अंदर से। कुदरत की डेफिनेशन ये होती है कि ब्रह्मांड सृष्टि और जीव सृष्टि की रचना करना, यानी सृजन करना, उसको संचालन करना और उसको संभाल लेना, ये सिर्फ कुदरत के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये पहली चीज़ हमें फील हुआ और बाद में पता चला कि नाम की वजह से नफरत हो रही है। अब देख लेना, अभी हमारी मूवी में भी मैंने बताया है कि सलीम से मुस्लिम, एडगर से क्रिश्चियन, राजू से हिंदू, तो सारे नाम अगर इस दुनिया के अंदर बदल जाए तो कैसा रहेगा, ये सोच निकलती थी। मैं कैसे दुनिया के धर्मों को ख़त्म कर सकूँ या कैसे दुनिया के धर्म को बताऊँ कि इंसान की बनाई रचना है। ये इंसान की रचना की वजह से हम आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पाते, नफरत होती है, हिंसा होती है। और आज तो देखो वर्ल्ड वॉर की अभी तैयारी हो गई थी, हर भी तालिबान में ऐसा हुआ, रूस अभी कर रहा है, ये सारी चीज़ों से पहले ये सोच आ गई थी। तो सोच के अंदर से पहला ही पता चला कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं मज़हब नहीं। ऐसी चीज़ देखा, हम जन्म में बच्चा का जन्म होता है हॉस्पिटल जाते हैं, तो जहाँ पर जो भी आप बच्चे को डॉक्टर देते हैं, समझते हैं, तो क्या करते हैं, उसका मज़हब नहीं पूछते। आप पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ मज़हब नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो लॉ बना है, जहाँ पर कोर्ट बना, वहाँ मज़हब नहीं है। तो हर जगह मज़हब नहीं है, तो फिर मज़हब कहाँ जाता है? जब इंसान घर पर जाता है और उसकी बातों में आते हैं, या मज़हब वाले जो लोग हैं उसको अपने आप को कुछ बताने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने ही धर्म को साबित करने के लिए जब बात करते हैं, तो वहाँ मज़हब आ जाता है। बाकी दुनिया में कहीं घूमते आप देखना, कभी मज़हब नहीं आता। तो ये सारी चीज़ों को देख सोच कर मैंने बोला कि कुछ करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ जुड़ी मैंने, नाम की वजह से हो रहा है मज़हब, लैंग्वेज की वजह से पता चल रहा है, प्रतीक की वजह से मज़हब का पता चलता है, धर्मस्थलों के पता चलता है। अगर ये सारी चीज़ निकल जाए तो दुनिया में क्या होगा? अगर हम माने कि एक वर्ल्ड यानी एक दुनिया बन जाए, एक विश्व और एक मज़हब बन जाए, तो क्या होगा? और मज़हब की डेफिनेशन ऐसी भी है कि नैतिक पवित्र फर्ज, बाकी कुछ नहीं था। आप अपने फर्ज सत्य से निभाइए, वही मज़हब है। लेकिन ये लिखने वाले, बनाने वाले जो इंसान हैं, वो अपने ही धर्म के प्रचार के लिए सारी चीज़ बना दिए। ये सारी चीज़ ढूंढ ढूंढ कर हमने मूवी में दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर मज़हब नहीं है, यहाँ पर इंसान की मज़हब चल रही है। कुदरत की जो गतिविधि है, यहाँ पर मज़हब नहीं है। और अगर एक दिन आप देखते जाओ मज़हब भी कैसे बना, देश कैसे बना, जुड़ते जाते हैं इंसान, एक देश दूसरे देश से अलग हो जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो हमारे में से तीन देश बढ़ गए, पाकिस्तान पहले हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हुआ, पहले तो जम्मू बजा रहा था इंडिया का एक पूरा, इसमें अफगानिस्तान, काबुल, ईरान, इराक, ये पारे पूरे टोटल भारत का दिखाया गया था। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड का जो एक देश है, कंट्री है, एक हो जाए, बॉर्डर ना हो, उस सोच से मैंने ये मूवी बनाने की स्टार्ट की। बहुत तकलीफ आई क्योंकि नया प्रोड्यूसर हुआ, नए डायरेक्टर थे, तो लोगों ने हमें इसमें से स्क्रिप्ट को चेंज करना बताया, क्योंकि आज का माहौल जो है, जो एक कट्टरता में है और अपने आप को कुछ बताना चाहते हैं किसी को अच्छे लगने के लिए, पॉलिटिकल को लिए, तो वो लोगों ने बताया कि थोड़ा सा चेंज कर लो,
तो मैंने ये बताया कि इसमें से कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम किसी मज़हब को गलत दिखाने की कोशिश नहीं करें, हम किसी मज़हब के बारे में बताने नहीं जाते, लेकिन जो रियल बात है, हमारा जन्म हुआ इस दुनिया के अंदर पहले स्त्री पुरुष थे, इतने मज़हब नहीं थे, वो दिखाना चाहते, हम सच्ची बात बताना चाहते। और आखिर में इस दुनिया के अंदर हम सबको मरना है, तो फिर क्यों मारते हैं, क्यों युद्ध करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्यों हिंसा करते हैं? ये मैसेज लेकर मैं आया हूँ आपके बीच के अंदर। कैसे पॉसिबल कैसे होगी, कैसे क्या दिखाया आपने के पॉसिबल? आप पूछो कि मज़हब होना चाहिए, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। जन्म से कहीं भी बच्चा का नाम देखा आपने, उसके पास प्रतीक था, उसके पास लैंग्वेज थी, जो माँ बाप ने किया वही बेटा हुई। हाँ, तो ये इंसान की बनाई हुई रचना मज़हब है। और आपने देखो, बच्चे को अगर हम कुछ ना सिखाए, हमारा थीम था कि बच्चे को जन्म से ही उसको अलग किया जाए, और बच्चे को न मम्मी पापा डैडी फादर न प्रे आराधना पुकार न सिखा दे, तो क्या होगा, उसकी दुनिया नहीं होगी। ये मेरा थॉट इसमें है, ये थीम है मेरा, कि अगर बच्चे को हम कुछ न सिखाए, तो सोचो आपके बच्चे ने अपने सिखाए, उसी लिए बोल रहे हैं ना। अगर हम चार बच्चे को, अलग अलग मज़हब के बच्चे को कहीं और बड़े करें, हॉस्पिटल बनाए, उसके लिए उसको कुछ आवाज़ ना दे, तो क्या होगा, उसकी पहली शब्द क्या होगा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो दोनों कैसे बात करेंगे, किस तरह जिएंगे? कि हम प्रे कर रहे हैं उसी तरह करेंगे, कि हम अजान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं उस तरह करेंगे, या चर्च में जा रहे हैं? वो कुछ नहीं, अगर धर्म का स्थल उसको दिखाया नहीं जाएगा, उसको प्रे नहीं सिखाया जाएगी, अजान नमाज नहीं सिखाया जाएगा, आरती नहीं सिखाई जाएगी, तो बच्चों जो जन्म से क्या सीखेगा, वो हमारा थॉट है। और आने वाली पार्ट टू में हम लाइव भी करना चाहते हैं कि अगर बच्चे पे ऐसा करे कुछ, लाइव दिखे कि बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए, पूरी दुनिया देखे, तो क्या होगा। मैं रिसर्च में बहुत मानता हूँ, आध्यात्मिक में मैं किसी मजहब की सत्संग नहीं करता कभी भी, और सुनी हुई बातों को नहीं, मैं कुछ रिसर्च में मानता हूँ। तो ये मेरा थॉट, उसमें बहुत अच्छी तरह मेरे सारे आर्टिस्ट और डायरेक्टर राइटर ने बहुत अच्छा ताना बाना बना दिया, क्योंकि मूवी का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो एक साधु भी हूँ अभी, और आया तब बहुत सारे लोगों ने मना किया, मैं अनुपम खेर को भी मिल चुका था, पता नहीं कि कश्मीर चलने वाली थी उसकी वजह से मना किया, आशुतोष राणा को मिला, गोविंदा से बात हुई, संजय कपूर से तो दो तीन बार बातों की करेंगे, सरवन जोशी से, सारे लोगों ने बताया कि थोड़ा हंगामा होगा, मेरे को कुछ नहीं वाला, समझ नहीं पाए लोग कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को हम हर्ट करें। आप एक बार सोच लो कि इस दुनिया में मज़हब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मज़हब के नाम पर जो हिंसा नफरत हो रही है, ये होनी चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सोचना है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो मेरा मैसेज प्लीज़ आप लोगों तक पहुँचाइए, मैं इसलिए आपका ऋणी रहूँगा। एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आइए, दया सर आइए। फर्स्ट रिएक्शन, जैसे मैंने कहा कि अभी कंटेम्प्रेरी जो टाइम चल रहा है 2022 में, मतलब 21वीं सदी में हम लोग मज़हब धर्म के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा एंशियंट है, तो मैंने बोला यार अभी धर्म वर्म के ऊपर फिल्म बना रहे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने स्टोरी का नरेशन दिया, वो रीज़न क्या था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, थॉट क्या था, और वो थॉट के पीछे जो सच्चाई थी उसको मैं समझ रहा था कि भाई वाकई में बहुत अच्छा और नोबल थॉट है। फिल्म के बनते बनते अभी जो सिनेरियो है हमारे देश में, अभी तो बड़ा एप्ट बैठता है, ये बहुत ही परफेक्ट है। क्रिएटर इज़ बेसिकली द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसने इस संसार को रचा है, जिसने कोई भेदभाव नहीं किया, भेदभाव हम जैसे लोगों ने ही किया है, धर्म को लेके या एक बिलीफ को लेके, मैं अगर कोई चीज़ सही समझता हूँ, कोई गलत समझता है उसको, तो एक बिलीफ में जो बटा हुआ है और उसको लेके इंटॉलरेंट हो गए, तो ये जो अभी वर्ल्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उस वर्ल्ड में आई थिंक ये फिल्म बहुत ही परफेक्ट है, जहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि बच्चों को, इसमें ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर रे जो मैं प्ले कर रहा हूँ, उसका रिसर्च ही ये है कि बच्चों को कुछ भी ना सिखाया जाए, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का हो, अगर बच्चों को हम कुछ भी ना सिखाए इसके बारे में, बच्चा क्या करेगा? उसको हम फ्यूचरिस्टिक, मतलब जितना हो सके पढ़ाई में या धर्म से अलग हम उसको बात सिखाएंगे, उतना सरल, उतना लिबरल और सही मायने में सेक्युलर होगा। तो फिल्म का थॉट यही है, और इसको लेके जो सिंसियरिटी से हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने इस फिल्म पे वर्क किया है इतने टाइम से, वो काबिल तारीफ है, और इसीलिए मैं इस फिल्म से भी जुड़ा। और फिल्म अब जब बन के, जब मैं देख रहा हूँ जो इसका प्रोडक्ट जो बना हुआ है टोटल, तो मैं समझता हूँ कि वाकई में काफ़ी सही हद तक इसको हमने जस्टिफाई किया है। हाँ जी, आपका कैरेक्टर? सो इसमें माय नेम इज़ एलिजा सहगल एंड आई एम प्लेइंग मार्टिना। सो मार्टिना इज़ अ क्रिश्चियन गर्ल, एक क्रिश्चियन लड़की का रोल है जो एक सिख लड़के से प्यार करती है, जो बॉबी प्ले कर रहे हैं मूवी में। सो अगेन, हमारा मूवी का पूरा थीम ही यही है, एक हिंदू मुस्लिम कपल है, सिख एंड क्रिश्चियन कपल है, जो कि
हाँ मानते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ये थिंकिंग होती थी, बट आज के टाइम पे भी कहीं इंडिया के एरियाज में ये चीज़ें अभी भी चलती हैं कि लोगों को नहीं मंजूर है क्रॉस कास्ट में मैरिज करना, प्यार करना या कुछ भी। तो अगेन हमारा मैसेज यही है कि हर इंसान सेम है, हर इंसान में खून, हर इंसान एक ही है। सिर्फ आपके रिलीजन डिफाइन करने से कोई डिवाइड नहीं हो जाते लोग कि हिंदू मुस्लिम वगैरह, कुछ भी नहीं है। हर इंसान सेम है, भगवान एक है। वो सिर्फ हमने भगवान की क्लासिफिकेशंस बना दिए हैं कि डिवाइड कर दिया है। तो द क्रिएटर हमारा यही है, मतलब कि द क्रिएटर इज़ वन फॉर एवरी ह्यूमन बींग ऑन अर्थ। सो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, किसी के अगेंस्ट हेटरेड नहीं रखते और मिलजुट के एक दुनिया की तरह रहते हैं। थैंक्स टू माई होल टीम, द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, द होल कास्ट, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे ये चांस मिला है इतनी अच्छी मैसेज कन्वे करने वाली मूवी में। बस अब हमें लोगों से प्यार चाहिए, हमें लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है किसी भी तरीके से कि हाँ एक एक करके ही बंदा चेंज होगा, पूरी दुनिया एक बारी में चेंज नहीं हो सकती। तो थोड़े थोड़े लोग भी चेंज होंगे तो दुनिया में कुछ चेंज तो आएगा। सो बस दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच। दया जी, जैसे कि माहौल चल रहा है दो दिन से उदयपुर, अभी अमरावती का केस आया, तो ये नो अदर क्वेश्चंस, हेलो मैसेज देंगे, मैसेज देंगे आपकी फिल्म, मैसेज है इस फिल्म में ही, मैसेज है, मैसेज पूछ रहे हैं, आप फिल्म देख लो, सबके लिए मैसेज है। पूरी दुनिया में जहाँ जो कुछ हो रहा है आज की तारीख में, सबके लिए मैसेज है ना। हम भेदभाव ना करें, हम दूसरे को बोलने से पहले अपने आप में झांकें तो बेटर है। वैसे आपके किरदार के बारे में एक लाइन में, ये डॉक्टर रे का कैरेक्टर है जो एक इंडिया में रहने वाला आदमी है जो एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, घर पे काफ़ी टकराव होता है, तो वो साइंटिस्ट है, तो यूएसए में नासा में काम कर रहा है वहाँ पर, और बहुत साल बाद अपनी बीवी बच्चों को भेजता है यहाँ पर देखने के लिए, और वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट्स मतलब कम्युनल राइट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ही लूजेज हिज फैमिली, और तब से वो ट्रामा में है। तो जो विग विग है वो 10 साल से उसने बाल नहीं काटे, तो शायद वो क्रिएटर वाले लुक में ही है वो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मतलब जिसने दुनिया रची है, जिससे हम सबको रचा है, उसकी नज़र में कहीं भी कोई भेदभाव, हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम मानव की बनाई हुई चीज़ें हैं, हम ही ने धर्म को क्रिएट किया है, हम ही ने धर्म को समाज में फैलाया है, हम ही कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं। हम अगर हम ये चीज़ समझ लें कि भाई हम सबसे पहले इंसान हैं, है ना, तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जो हमारी फिल्म कहती है, जो जिसे प्रवीण ने बहुत खूबसूरती से एक स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे ढंग से कन्वे किया है। अगर सोसाइटी में ये चीज़ जाती है, हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, अगर उसमें से कुछ परसेंट लोग भी अगर उनका हृदय परिवर्तन होता है तो शायद यही हम लोगों का सक्सेस होगा। आप सबको थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, और अब शादी भाई। हेलो, नमस्कार एवरीवन। जैसा कि फिल्म द क्रिएटर है, इसका कॉन्सेप्ट तो आपको सबको समझ में आ ही गया, ट्रेलर देखा आपने, फिल्म देखी। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया से सारी बाउंड्रीज हटा दी जाएँ, सारी सीमाएं हटा दी जाएँ, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लैंग्वेज हो, एक ही धर्म हो, जो मानव धर्म जिसे कहते हैं वही धर्म हो, तो दुनिया कितनी ब्यूटीफुल होगी, कितनी सुंदर होगी। कि जिस तरह से एक आकाश में एक पंछी उड़ता है तो उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, वो कहीं से कहीं भी उड़ के जा सकता है। ऐसे ही हमारे लिए भी हो, कोई बाउंड्री ना हो, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, कुछ नहीं हो, सिर्फ एक वर्ड है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट फिल्म का वो है, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने बहुत ही बहुत बहुत लंबे टाइम से इस पर मेहनत की और बहुत अच्छे से उसको स्क्रीन पर उतारा है। तो अब आपकी बारी है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। कि जैसे मेरा इस कैरेक्टर है फिल्म में आलम डॉन, जो नेगेटिव होता है लेकिन एक मोमेंट पे आकर के उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मुझे इस मिशन का साथ देना चाहिए, और ये सच है, ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए।
तो उसका हृदय परिवर्तन होता है और एक मोमेंट पे आकर के वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, डॉक्टर रे का साथ देता है और उस मिशन में जुड़ता है। तो आई एम श्योर डेफिनेटली कि दुनिया में भी ऐसा चेंजेस होगा और इस हालात में, इस दौर जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ही परफेक्ट है कि हम अननेसेसरी धर्म को लेकर के और भाषाओं को लेकर के और बाउंड्रीज को लेकर के कितना नरसंहार जो हो रहा है दुनिया में उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस फिल्म को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपके हाथ में है ये सारी चीज़ें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। ट्रेलर देखा हम लोगों ने, बहुत खूबसूरत ट्रेलर काटा है आपने। आई होप कि अगर फिल्म ऐसी होगी जी, जी। तो सच में ये क्रांति लाने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में, हमारे फिल्म के मुद्दे के बारे में तो सबने शेयर किया ही है और हम वाकई में चाहते हैं कि हमारी फिल्म से जेन्युइनली परिवर्तन आए। मतलब हम ये पूरी फिल्म बनाने के बाद अगर हमारी फिल्म देख के 10 लोगों के अंदर भी है ना चेंजेस आते हैं ना, तो हम सोचेंगे हमने एक शुरुआत कर दी। वो 10 लोग और 10 लोगों को मोटिवेट करेंगे और 10 लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो हमारा कन्फर्म है कि ऐसा होगा, क्योंकि लास्ट में जो बेसिकली ये जो फिल्म है, जब जब गुरुजी कॉन्सेप्ट लेके आए थे तो हमें जो हमारी फिल्म है ना, फिल्म का सार वो अदालत है और अदालत आता है लास्ट के, मतलब बिल्कुल क्लाइमेक्स में। लेकिन अदालत तक ऑडियंस को बांध के रखना, उनको पूरा ना कि वो अदालत तक हमारी बात को सुने, तो वो पूरा ताना बाना मैंने रचा। डॉक्टर रे का करेक्टर, जैसा कि दया सर कास्ट हुए तो मेरी पहली चैलेंज थी कि उनके लुक पे, उनकी उस पे, और मतलब मुझे भी पता लगा कि मतलब वो इतने बेहतरीन अभिनेता है तो उनको साथ बड़ा मज़ा आता गया करते 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 करते। तो और अदालत तक हम पहुंचाना चाहते थे अपनी फिल्म को, कि अदालत तक हमारी बात वो पहुंचे, क्योंकि मैसेज के लिए फिल्म बनाई थी बेसिकली वो। और हम चाहते थे कि हमारी फिल्म लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाए। और मैंने ये फिल्म में लाइन भी लिखी है कि आप कुदरत में बिलीव करो, कुदरत में गतिविधि होती है। तो आप एक बार सोचो और आप शिद्दत से सोचते हो तो ये इट्स अ फैक्ट। ये मैंने महसूस किया, मैंने अपनी जो दूसरी फिल्म बनाई थी जो कि वेब सीरीज़ में कन्वर्ट होके रिलीज़ हुई, उसके बाद मैं एक बड़ी फिल्म चाहता था कि मुझे एक फिल्म मिले जिसमें मतलब मैं कुछ दिखा सकूं, अपने टैलेंट दिखा सकूं। मैंने इतनी शिद्दत से वो चीज़ मांगी ना, तो अपने आप ही ऐसे सरकमस्टांसेस मिल गए कि मतलब अपने आप ही मेरे को गुरुजी मिल गए, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, मैंने उनसे शेयर किया, अपने आइडिए शेयर किया कि इस तरह से मैं फिल्म को लेकर जाता, और ताना बाना बनता चला गया। और मतलब हमने जब ये फिल्म बनाई, मतलब बहुत ही कंट्रोल बजट था क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास विजन था, पैशन था। तो उस पैशन के थ्रू हम बनाते गए, कारवा जुड़ता गया। सब लोगों ने मतलब कोई फीस नहीं देखी अपनी, उन्होंने कहा कि थॉट बड़ा है, हमें थॉट के साथ जुड़ना नहीं हुआ। इन्होंने बहुत मेहनत की, हमने देखा सेट पे, अपने आप कुछ भी नहीं हुआ। और देखा जाए तो फिल्म जो है वो किसी भी धर्म को, किसी जाति को, किसी इंसान को ऊंचा नीचा दिखाने वाली फिल्म है ही नहीं है। शांति और प्रेम को स्थापित करने वाली फिल्म है, शांति और प्रेम को बढ़ावा देने वाली फिल्म है कि तरह से मिलजुल करके हम रहें, एक मानवता का एक सम्मान करें, बेसिकली यही है। और प्रवीण जी, अगर ऐसी क्रांति आ गई हो की शायद आ गई, तो फिर जो धर्म की दुकानें चलाते हैं उनका तो धंधा बंद हो जाएगा। तो नहीं, वो भी हम यही चाहते हैं कि वो भी सुधर जाए। अगर वो भी सुधर जाए, आप सोचिए, दुकानें अगर चलाते हैं तो होना ही चाहिए। धर्म एक ऐसी चीज है ना जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, है ना। धर्म, सारे धर्म अच्छे हैं, बस हम लोगों का क्या उन धर्मों को समझने की, भाई धर्म भी अगर हो तो मानव से बड़ा धर्म भी नहीं है ना। मानवता को पहले दर्जा दोगे तो अपने आप ही धर्म डाउन हो जाएगा। आप कुछ कहेंगे? मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आपने बोला कि अगर ख़त्म हो जाए तो ये भी यही हमारी हमारा थॉट है, हमारा इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, एक कल्पना हमने सोची है कि मतलब काश अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। आप सोचिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि कोई वर्ल्ड में बॉर्डर ही नहीं है। जैसे एक पंछी जो आजाद पंछी की तरह उड़ता है, उसको थोड़ा ना वीज़ा लगता है, उसको थोड़ा ना बॉर्डर पे कोई चेकिंग लगती है क्या, वो तो आजाद पंछी की तरह उड़ता है। और जब पहला स्त्री पहला पुरुष हुआ था तब कौन सी बॉर्डर थी? तब कुछ नहीं था। तो हम वही इमेजिन कर रहे हैं कि अगर काश ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड के देश एक हो जाए। ज्यादा सोचता है सर, वो हर चीज पे कब्जा करना चाहता है, तो ऐसा होगा तो
वो ज्यादा विस्तार कर जाएगा चीन। आप इसको पॉजिटिव एंगल से सोचे, वो भी अगर सुधर जाए नहीं, उसके अंदर भी हमारी फिल्म देखे कैसे रहेगा, चीन और इंडिया रहेगा ही नहीं ना, फिर तो एक है ना, एक होगा ना, इंसानियत का धर्म होगा वो भी हमारा ही होगा। अभी है चीन का और इंडिया का, युद्ध नहीं होगा। आप सोचिए न्यूक्लियर बम। थैंक यू सो मच, लॉट्स लव। क्वेश्चन है मुझसे, क्या है किरदार और आपके बारे में बताइए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा किरदार ही ऐसा है जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ऐसी कोई मूवी मेरे रास्ते में आ जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ जो आपकी लाइफ में पहले से हुई हो और वो चीज़ आप कैमरे पे दिखाना, इट बिकम सच अ इमोशनल थिंग फॉर यू। पूरे शूटिंग के टाइम पे मेरा इमोशनल लेवल इधर था, बिकॉज मैं एक्चुअली में एक एक मोमेंट्स फील कर पा रही थी एंड आई एम सो हैप्पी कि वो सारे मूवमेंट्स इतने ट्रूली अक्रॉस द कैमरा गए हैं। यू गाइज हैव सीन इट, आई लव्ड इट पर्सनली एंड आई थिंक इफ आई लव इट, यू गाइज आर गोइंग टू जस्ट लव इट मोर। तो जैसे अभी आपने शेयर किया इसके पहले कि मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, उसको बताइए ना, कैसे जब आप कैरेक्टर में उतरे तो वो कितना सहयोग किया आपको? तो एक सीन था हमारी मूवी में जब मैं रो रही थी, मेरा अजय जो कि मेरा हिंदू लवर है जिसे मैं प्यार करती हूँ, और उसको जब मारा गया था और वो हॉस्पिटल में था तो मैं रो रही थी। ऐसी ही कुछ घटना मेरे साथ पर्सनल लाइफ में हुई थी। आई वॉज हार्डली 14 and a half years old and I was working because मैं 13 साल की उम्र से काम कर रही हूँ and my first salary was 1000 rupees। तो उधर से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। सो आई फेल इन लव विद अ गाय एंड उधर ये हो गया था कि ही लेफ्ट मी, ओके, उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी वजह से मैंने जहर ले लिया था। आई गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड आई वॉज क्राइंग बिकॉज कहाँ कहाँ से मेरे पाइप गया था मुझे नहीं पता, जस्ट टू रिमूव द रैट पॉइजन जो कि मैंने ले कंज्यूम कर लिया था रात को। उसके बाद ये हुआ कि सारा कुछ हमारा मेरा ट्रीटमेंट हुआ, आई वॉज ओके। मैं खिड़की थी मेरे मेरी जो रूम था उसमें से खिड़की में से मैं हमेशा देखा करती थी कि वो शायद से मुझे मिलने आएगा या शायद से मुझे देखने आएगा, बट वो कभी हुआ नहीं। एंड 3 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद से वो वापस आ जाए, बट वो कभी हुआ नहीं। वही सेम मोमेंट जब अजय हॉस्पिटल में था मैं वो फील कर पा रही थी। आज भी वो दर्द उतना ही ज़्यादा ज़िंदा है जो कि आज से 5-6 साल पहले ज़िंदा था मेरे दिल में, क्योंकि पहला प्यार हम कभी भूल नहीं सकते और जो पहला दर्द होता है वो हमेशा चेरिश करते हैं। तो ऑफकोर्स मैं सारे मोमेंट चेरिश करती हूँ, बट वो दर्द आज भी ज़िंदा है एंड आई डोंट नो कब तक रहेगा, बट हमारे दिलों में दर्द हमेशा मौजूद रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स यू हेड इन लाइफ। सो द पेन दैट आई हैव इन माई हार्ट इज लेटिंग मी गो अहेड इन लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल हु हैज गिवन मी पेन। सी वेयर आई एम राइट नाउ। थैंक यू मैम।